Hi guys, welcome to my channel. Today I am sharing with you how to prepare board exams easily, that you will crack your board exams very easily and the safest way. I'm sharing with you five strategies that will crack your board exams easily. First one is मेक द बोर्ड एग्जाम्स एज योर फ्रेंड. अपने फ्रेंड की तरह लीजिए अपने बोर्ड एग्जाम्स को, और इतना बड़ा पहाड़ मत बनाइए कि बोर्ड एग्जाम्स देने हैं और अपने फ्रेंड के तरह लीजिए. ईजिएस्ट वे में उसको क्रैक करने की कोशिश करिए. एंड द सेकेंड पॉइंट इज मल्टी टास्किंग, दैट यू विल अंडरस्टैंड एज अ वर्ड मल्टी टास्किंग. तो मल्टी टास्किंग मीन्स अगर आप स्टडीज कर रहे हैं तो अपने स्टडीज को ही ध्यान में रखिए, अदर वर्क मत कीजिए. जैसे अगर कोई आपको डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन कर रहा है तो उस पर मत जाइए. अगर आपकी मम्मी आ रही है, नहीं कि पिट लिए, अपने भाई से लड़ लिए, नहीं, अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो अपनी स्टडीज़ पे ही फोकस करिए. एंड थर्ड पॉइंट इज स्टडी एनवायरनमेंट. ऑफ कोर्स स्टडी एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कोई गाना वाना तो नहीं बज रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं इधर फ़ोन कॉल्स, इधर अगर कोई आपको डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, अगर कोई गाना वाना बज रहा है, तो दैट इज़ नॉट द सेफेस्ट वे टू स्टडी. तो स्टडी एनवायरनमेंट मैटर्स. वहाँ बैठिए, एक कोने में जाके बैठ जाइए जहाँ पे पूरा शांति हो, आप पढ़ सकें. तो स्टडी एनवायरनमेंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ यू नीड टू बी सुपर पॉजिटिव. एग्जैक्टली, सुपर पॉजिटिव आपको रहना है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप पॉजिटिव रहे, नेगेटिवली ना ले किसी भी चीज़ को. जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें हाँ आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आप पॉजिटिवली थिंकिंग रखिए, नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए कि हम ये पढ़ रहे हैं इतने नंबर आएंगे, इतने नंबर नहीं आएंगे. तो एकदम पॉजिटिवली थिंकिंग करिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी अपने बोर्ड एग्जाम्स में. तो आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए. एंड फिफ्थ वन इज़ एंड द लास्ट वन इज़ रिविजन. सो फिफ्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, रिविजन. रिविजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली, मेरे ऊपर भी जब मैंने पूरी साल पढ़ाई की थी और फिर अगर मैं रिविजन नहीं करती तो मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती. तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडीज़ के लिए. आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिविजन. अगर आप लेके मतलब बोर्ड एग्जाम्स में जाते हैं तो आप अपने रिविजन्स को करके ही जाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मैंने आपको फाइव ऐसे स्ट्रैटेजीज बताए जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे क्लियर करेंगे. आप क्रैक कर सकते हैं वेरी इजीली एंड सेफेस्ट वे टू बोर्ड एग्जाम्स. तो आप ये सारे फाइव जो स्ट्रैटेजीज है उसको आप फॉलो करिए एंड यू विल एग्जैक्टली क्रैक योर बोर्ड एग्जाम्स. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर. ओके गाइज, बाय, गुड लक.